नागौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ज्योति मिर्धा ने पार्टी आलाकमान का आभार जताया है। इस दौरान ज्योति मिर्धा ने भाजपा में जाने की खबरों का खंडन किया है। मिर्धा ने कहा कि एक वीडियो को जानबूझकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिससे लोगों में भ्रम पैदा हो सके। उन्होंने साथ ही कहा कि भाजपा की ओर से उम्मीदवार घोषित करने के बाद चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। अभी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट सामने हमारे अनाउंस नहीं करा है। नागौर से जब वो अपना कैंडिडेट अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद में हम उस पर कॉल लेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करेंगे। और कांग्रेस पार्टी से मेरा टिकट पहले से तय था और पहली लिस्ट के अंदर उसका नाम निकल गया, तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि पहली लिस्ट में आया और कोई एम्बिग्युटी उसके अंदर नहीं रही है। कब से प्रचार में उतर रहे हैं नागौर? बीजेपी अपना अनाउंस तो करे, उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजाइज करके जाएंगे नागौर के अंदर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।